वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट इफ्तार की जान क्रीमी फ्रूट चाट बनाएंगे, वो भी बिना क्रीम और बिना मलाई के, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखें, हमारे पास कुछ फ्रूट रखा हुआ है, आपके पास जो अवेलेबल हो वो आप ले लें। मेरे पास जो था वो मैंने ले लिया। तो यहाँ देखें, एप्पल है एक, इसको हम काट लेंगे। तो अब आपके मनपसंद साइज के आप पीसेस कर लें। मैं थोड़ा मीडियम रखूंगी, ना छोटा ना बड़ा। वैसे तो मैंने बहुत सारे फ्रूट चाट बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ, जिसमें से एक क्रीमी फ्रूट चाट था, एक चटपटा था, एक तीर से दो निशाने थे, और ये जो है बिल्कुल हटके है। ये सर्विंग डिश में डाल देंगे। तो यहाँ देखें, हमारे पास एक पेयर है, इसको भी काट लेंगे। तो ये पेयर के भी छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। यहाँ हमारे पास अमरूद है, और यहाँ हमारे पास एक नेक्टर है, ये ले लेंगे। पीच का बहन भाई होता है, अगर आपके पास पीच है तो आप पीच ले लें। स्ट्रॉबेरीज हैं, अब आपको मर्जी, आपको डाइस करना है, इस तरह से स्लाइसेस में काटना है, जो भी, फील फ्री, यू आर योर ओन बॉस। अब यहाँ देखें, हमारे पास अंगूर है, काले और हरे दोनों, काले कह लें या पर्पल कह लें, आना के और मेरी फेवरेट चीज। तो जो बड़े हैं इसको यूं काट देंगे, और छोटे ये जो बेबी है इसको ऐसे ही डाल देंगे। वन ऑफ द फेवरेट फ्रूट में है ग्रेप्स एंड ऑरेंजेस, और अच्छे वाले अगर प्लम्स हो तो वो भी मुझे बहुत पसंद है। और अब ग्रीन वाले, तो ये भी हो गए। ये और अब मैंगोस, जितना हो सके टच कर ले हड्डी से, उसकी गुठली से, फिर उसको मैक्सिमम काट लें। आप साइड से ले लेंगे छिलका निकाल के। अब ये आराम से बैठ के गुठली चूसेंगे। अच्छा।
अच्छा, यहाँ हमारे पास एक बनाना है। अब रेशियो जो है आपको जो पसंद है, जो अवेलेबल है वो ज़्यादा डाल दें, और जो कम पसंद है और अवेलेबल नहीं हो वो कम डाल दें, ना डालें, फील फ्री, जैसा आपका दिल चाहता है वैसा करें। और यहाँ देखें मेरे पास मेलन जो है वो कटा हुआ है, आप किसी भी किस्म का ले सकते हैं। मेरे पास ये कैंटेलॉप है, इसके मैं थोड़े से पीसेस बैटर कर लेती हूँ, ये थोड़े बड़े कटे हुए हैं। ये भी हो गया, देखिए कैसे रंगा रंग, कैसा खूबसूरत लगता है, अल्लाह की नेमतें। तो यहाँ देखें हमारे पास सुपर थिक दही है। ये हमने किस तरह से बनाया, सबसे पहले हमने एक बोल लिया, उसके ऊपर एक छन्नी रखी, छन्नी के ऊपर मलमल का कपड़ा रखा, और उसके ऊपर मलमल के कपड़े के ऊपर हमने डाल दिया 2 कप दही, उसको रैप किया, फ्रिज में रख दिया ओवरनाइट, और जब सुबह उठे तो ये ऐसा लग रहा है, पानी सारा उसका निथर गया था, और अब इसको हम बीट करेंगे। इसे आराम से हाथ से भी किया जा सकता है, जितना आप उसको फेटेंगे ये मोर क्रीमियर हो जाएगा, तो दिस इज इजी वर्जन, तो मैं इससे कर रही हूँ। इसमें अब हम डालेंगे 4 टेबलस्पून भर के पाउडर शुगर, अगर आप चाहें तो खट्टा, अगर दही आपका थोड़ा सा ज़्यादा है तो मीठा आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, आधा कप तक डाल सकते हैं, मज़े का लगेगा, और अगर चाहें तो इसमें कंडेंस मिल्क डाल दें, लेकिन मैं सिंपलर कर रही हूँ ताकि एवरेज पीपल को सब एक्सेसिबल रहे। पाउडर शुगर ना हो तो रेगुलर शुगर भी डाली जा सकती है। और अब इसमें हम ठंडा ठंडा थोड़ा सा दूध डालेंगे, मैंने डाला है अराउंड 4 टेबलस्पून के आसपास। तो ये हो गया, देखा किस कदर क्रीमी है। अब टाइम हो गया है मिक्स करने का, तो इसमें अब हम डालेंगे 2 टेबलस्पून किशमिश, बड़ी अच्छी सी लगती है, और 6 खजूरें हैं जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, और 1 टेबलस्पून बादाम है जो कतरी हुई है। इसका रेशो आप कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो। और साथ ही अब इसको थोड़ा चटपटा बनाने के लिए हम कुछ स्पाइसेस डालेंगे, जो कि कुछ यूँ है कि 2 टीस्पून भर के चाट का मसाला, 1/2 टीस्पून काला नमक, और 1/4 टीस्पून से भी लेस लाल मिर्चों का पाउडर, तो ये सब चला जाएगा इसमें। और अब इसमें हम डालेंगे अपना क्रीम, जितना दही मीठे की तरफ होगा इतनी शक्कर आपको कम डालनी पड़ेगी, तो हेल्दी रहेगा, अदरवाइज फ्रूट तो मीठा ही होता है ना। क्या खुशबुएं आ रही हैं, ख़तरनाक खुशबुएं आ रही हैं। इसको मोर हेल्दियर अगर बनाना है तो आप इसमें शुगर की जगह हनी भी डाल सकते हैं। तो देखा कैसे झटपट हमारा ख़तरनाक सा क्रीमी फ्रूट चाट बन गया, विदाउट एनी क्रीम, विदाउट एनी मलाई, एंड विदाउट एनी कंडेंस मिल्क, और ऐसा ख़तरनाक क्रीमी टेक्सचर आपने देखा ना। तब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है।
सुपर हेवन, सरप्राइजेज इज सरप्राइजेज, खजूर, अमरूद की खुशबू, आम, और ये जो क्रीमीनेस है ना, सुपर डुपर ख़तरनाक है। आप लोग के लिए तो बाइट बनता है। मुझे आज तक का ये बेस्ट फ्रूट चाट लग रहा है। छोड़ने का दिल नहीं हो रहा है। और फिर गुड थिंग ये है कि हेल्दी भी कितना है, सिर्फ 4 टेबलस्पून हमने पाउडर शुगर डाली है, अदरवाइज कुछ डाला ही नहीं है, सिर्फ हेल्दी हेल्दी चीज़ें हैं। तो बनाना बनता है और मार्केट हिल जाएगी। आप जब बनाएंगे ना इफ्तार में तो सब खुश हो जाएंगे, पागल छागल हो जाएंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी जाएँ, बनाएँ, खूब मज़े करें, मज़े करवाएँ। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।